नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज में विनय कुमार। प्रतिदिन की भांति मैं आप लोगों तक नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के साथ रूबरू कराता हूं। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूं वह दरभंगा जिले के सुदूर पंचायत है, नाम है ग्राम पंचायत दिनमो। यहां हमारे साथ नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, जिनका नाम है अविनाश कुमार आजाद उर्फ पप्पू यादव। उनसे हम पूछेंगे कि आपको जनता ने जो आशीर्वाद दिया है किस उद्देश्य से दिया है, क्या करेंगे। सबसे कम उम्र का ग्राम प्रधान कोई होगा तो एक अविनाश कुमार आजाद जी हैं, जिनका मात्र उम्र 25 साल है। 25 साल में एक ग्राम प्रधान बनना बहुत बड़ी बात होती है। मात्र 19-20 साल में प्रथम इलेक्शन लड़कर इन्होंने एक बहुत बड़ा समाज सेवी का उदाहरण दिया था, लेकिन जनता ने इनको उस इलेक्शन में अस्वीकार कर दिया। लेकिन इस बार पिछले 5 साल के कठिन परिश्रम को, कठिन विश्वास को देखकर इनको इस बार ग्राम प्रधान बनाया। हमारे साथ अविनाश जी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या थोड़ा खड़ा हो जाए। तो सबसे पहले अखंड भारत की ओर से शुभकामना है। आप जीते हैं 25 साल की उम्र में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। समाज हम चुने हैं, उनका हम पे भरोसा किए हैं। 25 साल में ही जीतना, ग्राम प्रधान बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। कैसे आपको चुना, कैसे जनता ने आपको समर्थन दिया? हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाए थे और इसी आवाज़ पे हम लोग चुनाव जीते। और डोर टू डोर हम लोग मिलने का काम किए, हर एक घर में दुख दर्द को सुने समझे और इसी आधार पर हम लोग चुनाव जीते। मुखिया जी, ये सुदूर पंचायत है, ये इसके बाद तो हमको लगता है कि समस्तीपुर शुरू हो जाएगा थोड़ा दूर के बाद। आए दिन यहाँ बाढ़ एक भारी आतंक बन के हर साल आप लोग को तंग करती है, लेकिन समस्या इस बात का है कि गांव में बहुत छूटे गरीब शोषित लोग छूट जाते हैं। बाढ़ जो राहत पैकेज मिलती है 6,000 वो लेकर आए दिन ये समस्या आती रहती है कि हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। ब्लॉक जाते जाते वो थक जाते हैं। इस समस्या को अपने पंचायत में आप कैसे दूर करेंगे? हम किन्हीं को ब्लॉक जाने का नौबत नहीं रखेंगे। हम अपने घर 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 जाके और सबका समस्या यहीं समाधान करेंगे, यहीं पंचायत में ही व्यवस्था करेंगे। ग्राम प्रधान बने हैं, बहुत कम उम्र में बने हैं, पहला काम क्या करेंगे अपने पंचायत में? पहला काम जो है सो सब युवाओं का मन है और उसी पहले से विचार था, फील्ड उनकी खेल मैदान उसका काम शुरू है। आज पेपर पर मतलब चल रहा है, प्रोसेस में है, पेपर बन के आता है उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका गांव जो है, आपका पंचायत थोड़ा पिछड़ा हुआ है। जैसा कि पिछले पंचवर्षीय में हमने देखा था कि यहाँ स्कूल और स्कूल को लेकर ज़्यादा उत्साहित बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि शिक्षक की अनुपस्थिति बराबर रहती है। इस पर आप क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग जो है सो स्कूल जो है सो हर चांस करते हैं और बच्चे गार्जियन को भी जागरूक करते हैं कि आप लोग स्कूल भेजिए, वहाँ शिक्षक रहते हैं पढ़ाएंगे। हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। शराबबंदी, आवास जो है ना सर, पिछले पंचवर्षीय में बहुत लूट करते थे, इसको हम लोग फ्री करने हैं सर। एक रुपया नहीं देंगे, किन्हीं को ना लेने देंगे। ये थे अविनाश कुमार आजाद जी, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं दिनमो पंचायत से, बहुत कम उम्र में बने हैं। एक आत्मविश्वास के साथ जो भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर इन्होंने जनता का समर्थन लिया है और अगला पंचवर्षीय जनता गिफ्ट इनको कर रहे हैं, चूँकि आवास योजना को पूर्णतः फ्री कर रहे हैं। अब देखना है कि अगला पंचवर्षीय ये कैसा काम करते हैं। हम आपको समय दर समय रिपोर्ट देते रहेंगे। फिर हम आएंगे नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।